इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा पर्चा वापस लेने पर भड़के जीतू पटवारी, बोले लोकतंत्र की हत्या कर रही है भाजपा। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र की करैरा और पौरी विधानसभा क्षेत्र के बैराड़ में सोमवार को कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार प्रवीण पाठक के समर्थन में चुनावी आम सभा लेने पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय कांति बम के नाम वापसी पर भाजपा को आड़े हाथों लिया। पटवारी ने कहा, भाजपा ने इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी को डरा धमका कर पर्चा वापस करवाया है। मीडिया से बात करते हुए पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, हमारा एक कांग्रेस का प्रत्याशी जिसने इंदौर से फॉर्म भरा और इंदौर से फॉर्म भरने के बाद वह चुनाव मैदान में था, उसके ऊपर एक साल पुराना 307 धारा का केस दर्ज था, उसे डराया गया, उसे धमकाया गया और उसका फॉर्म वापस करवा दिया गया। यह बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मैं इंदौर के लोगों को और मध्य प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं कि भाजपा के लोग किस तरह से आतंक मचा रहे हैं। इसी तरह का एक केस सूरत से भी सामने आया, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन पत्र वापस ले लिया और भाजपा वहां से निर्विरोध सांसद बनाने में कामयाब हो गई। भाजपा इसे अपनी जीत बता रही है, लेकिन यह लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा है कि आदरणीय मध्य प्रदेश के वासियों, मतदाता बंधुओं, और मैं ये प्रार्थना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश किस तरह का बन रहा है। कभी नहीं देखा था कि यहाँ लोकतांत्रिक सरकार गिरेगी। पिछली बार सरकार गिराई गई, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अहंकार का परिचय दिया, फिर विधायकों के दल बदल, खरीद फरोख्त मध्य प्रदेश ने पूरे ने देखी, जग जाहिर है। फिर अभी जब विधानसभा के चुनाव हुए, आपने उनको मत का अधिकार देकर उनकी सरकार बनाई। खजुराहो में कलेक्टर से किस तरीके से पर्चा निरस्त करवाया गया, जग जाहिर है। ये बिना वोट का सांसद चाहते हैं। ऐसे ही इंदौर में जो प्रत्याशी था कांग्रेस का, उस पर 3 दिन पहले 307 का प्रकरण बनवाया गया, धाराएं बढ़वाई गई 17 साल पुराने केस पे, और उसको डरा धमका कर पर्चा वापस उसी से करवाया गया। पर्चा वापस करना एक मैसेज है मेरे इंदौर के परिवारजनों, खासकर बुद्धिजीवियों, व्यापारी गणों। ये शहर हमारा आर्थिक राजधानी है। जो पत्रकार हैं यहाँ के जर्नलिज्म में, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि क्या आप ऐसे इंदौर की कल्पना करना चाहते हैं जिसमें लोकतंत्र की इस तरीके से चीरहरण हो, बलात्कार हो। जो आपने ताकत दी भारतीय जनता पार्टी को, और उस ताकत से हमारे यहाँ कैलाश विजयवर्गीय मंत्री बने, उनके लोगों का जो काम करने की शैली है, वो कितनी गुंडागिर्दी पूरे शहर में है, किसी से छुपी हुई तो है नहीं। मैं इंदौर शहर की जनता से अपील करना चाहता हूँ, आपके वजूद को आपको ज़िंदा रखना हो, आपके सम्मान को आपको ज़िंदा रखना हो, आपके वोट के मत के अधिकार को आपको ज़िंदा रखना हो, तो इनके खिलाफ खड़े हो जाओ। ये पार्टी का विषय नहीं बचा इंदौर में, अब पार्टी का विषय नहीं बचा इंदौर में। अब इंदौर के आत्मसम्मान का, ये माँ अहिल्या की नगरी है जिसने अपने बेटे को गुनाह करने पर हाथियों से चुनवा दिया था, उस नगरी को न्याय के लिए जाना जाता है। मैं भी आप ही का बेटा हूँ, मैं कभी क्रिटिसिज्म नहीं करता हूँ विपक्ष के लोगों का, पर आज लड़ाई क्या है? आज लड़ाई है इतना बड़ा अहंकार, इतनी बड़ी हठधर्मिता, इतनी बड़ी अराजकता कि हम वोट नहीं देने देंगे किसी को, और हम सब कुछ कर सकते हैं। ताकत हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, सत्ता हमारे पास है, प्रशासन हमारे पास है। तो मेरे पत्रकार बंधुओं, जर्नलिज्म साथियों, मेरी प्रार्थना है आपसे, इस वजूद को बचाओ आप लोग। अगर आप नहीं बचाओगे तो एक दिन पछताओगे। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ बुद्धिजीवियों से, अनुरोध करना चाहता हूँ व्यापारिक राजधानी में रहने वाले सम्मानित परिवारजनों से, पार्टी से ऊपर उठकर न्याय करो, न्याय करो, और इनको सबक सिखाओ। मैं अभी इंदौर जा रहा हूँ, यहीं से सभा खत्म करके रणनीति बनाएंगे, जो परिस्थिति है उसमें जो बेस्ट होगा वो करेंगे, और इंदौर की जनता को मैं जानता हूँ वो न्यायप्रिय है, न्यायप्रिय जनता न्याय करेगी, बस इतना मुझे भरोसा। एक और मामला निकल कर आया था, वो अभी